नमस्कार, न्यूज इलाहाबाद में आपका स्वागत है। प्रमुख खबरें इस प्रकार हैं। युवक की मौत के बाद परिजनों ने काटा हंगामा, लापरवाही का डॉक्टर पर लगा रहे हैं आरोप। जीवन बीमा अभिकर्ताओं ने सर्विस टैक्स लगाने के विरोध में किया प्रदर्शन, कहा वापस हो सर्विस टैक्स। पूर्व मंत्री नंदी के खिलाफ चेक बाउंस होने पर गैर जमानती वारंट जारी। किसानों की समस्याओं के विरोध में भाजपा कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी के यहां किया विरोध प्रदर्शन। राजापुर में शॉर्ट सर्किट से लगी कार में आग, मोटरसाइकिल भी हुई खाक। युवक की मौत के बाद परिजनों ने काटा हंगामा, लापरवाही का डॉक्टर पर लगा रहे हैं आरोप। अरे उनके फादर हैं, बाहर रहने वाले हैं, कांड तो बहुत बुरा कर रही है इन्होंने, लेकिन जो है उनके फादर मना कर रहे हैं। एफ आई आर होनी चाहिए, हॉस्पिटल बंद होना चाहिए। हमें डॉक्टर ने धोखा दे दिया है, डॉक्टर हमें छोड़ के भाग गया बहुत देर से, 8 बजे से हमारा लड़का पड़ा हुआ, हम बुलवा रहे हैं, कह रहे हैं ऑपरेशन हो रहा है, ऑपरेशन ही करता रहे भैया। अरे भैया हमारा अंकित अकेले, तो हमें भी असंग में जाएंगे हम। हाँ जी, 8 बजे से बहुत दिल लग रहा है उसका, मन की घबरा रहा है, आ जाओ का नहीं कोई जा रहा, कम्मा थे स्टाफ इस्ता 15-20 आदमियों का, और मैं कह रही भैया देख तबीयत खराब है, फिर कह रही भैया। पूर्व मंत्री नंदी के खिलाफ चेक बाउंस होने पर गैर जमानती वारंट जारी। आज जिला अदालत ने पूर्व मंत्री नंदकुमार गुप्ता नंदी के विरुद्ध जो है गैर जमानती वारंट जारी किया है। उन्होंने 1.5 लाख रुपए का चेक जो है मुझे दिया था सीमेंट सप्लाई के संबंध में, वो चेक डिसऑनर हो गई थी, उसके संबंध में आज जो है जिला न्यायालय ने जो है उनके विरुद्ध गैर जमानती वारंट जारी किया है। ये करीब लगभग 4 वर्ष पूर्व का मामला है, और 4 वर्ष पूर्व उन्होंने जो है को मैंने उन्हें सीमेंट सप्लाई किया था, उसके संबंध में उन्होंने 1.5 लाख का चेक दिया था। किसानों की समस्याओं के विरोध में भाजपा कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी के यहां किया विरोध प्रदर्शन। आज ये धरना प्रदर्शन जो खाद्य पदार्थ हैं उनकी महंगाई, सब्जियों की महंगाई, और जो पेट्रोल का दाम महंगा हुआ है, डीजल का दाम महंगा हुआ है, किसान परेशान है, बेहाल है, और अपने जनपद में जिस तरीके से गायें कट रही हैं, बैल कट रहे हैं, बैलों की तस्करी हो रही है, गायों की तस्करी हो रही है, इस मुद्दे को लेकर के किसान मोर्चा यह प्रदर्शन कर रही है और डीएम को ज्ञापन दे रही है। किसानों की समस्या, जो खाद है, बीज है, सारे किसान परेशान हैं, न खाद मिल। जीवन बीमा अभिकर्ताओं ने सर्विस टैक्स लगाने के विरोध में किया प्रदर्शन, कहा वापस हो सर्विस टैक्स। बीमा निगम जिंदाबाद, एलआईसी जिंदाबाद, एलआईसी केंद्र सरकार मुर्दाबाद, एलआईसी जिंदाबाद। LIC का 1956 से जन्म हुआ, और आज़ादी के इतने वर्षों के बाद भी आज तक बहुत सारे लोग बिना इंश्योरेंस के हैं, और बीमा के बारे में कहा गया कि बीमा आग्रह की विषय वस्तु है, इसके बाद भी भारत सरकार LIC पे सर्विस टैक्स थोप रही है, जब बिना सर्विस टैक्स लगाए ही कम प्रीमियम पर भी कम से कम 35-40% लोग बिना बीमा के हैं, तो सर्विस टैक्स लगने से बीमा का व्यवसाय कम होगा, बीमा कारोबार घटेगा, जब बीमे का कारोबार घटेगा तो करीब 12 लाख अभिकर्ता जो इससे जुड़े हुए हैं उनकी रोजी रोटी प्रभावित होगी, इसलिए हम लोग यहां धरना और प्रदर्शन आज हिंदुस्तान के सारे मंडल पर कर रहे हैं, और सरकार को और वित्त मंत्री को ये बताना चाहते हैं कि LIC से सर्विस टैक्स वापस करो। आज रेल मंत्रालय को आप देखिए, जहां रेल में धक्का मार के लोग टिकट लेते हैं, 4 महीने खुलते ही रिजर्वेशन फुल हो जाता है, वहां ममता बनर्जी के एक आह्वान पे सर्विस टैक्स आज तक रेल पे लागू नहीं हुआ, लेकिन LIC जो आग्रह की विषय वस्तु है, घर घर जाने के बाद भी आसानी से बीमा नहीं होता, उस पर यह सरकार सर्विस टैक्स थोप करके LIC ऐसी संस्था को भी ध्वस्त करना चाहती है। राजापुर में शॉर्ट सर्किट से लगी कार में आग, मोटरसाइकिल भी हुई खाक। Thank you.
देखा कि बुरी तरह से आग लग चुकी है और कोई उसका बुझाने का मेरे पास वो नहीं है कि मैं कैसे बुझाऊं, तो मैंने तुरंत फिर 100 नंबर पर डायल करके सूचना दी और उसके बाद फायर ब्रिगेड और सिविल लाइन्स थाना आया और आग को काबू में किया गया। किसकी गाड़ी यहीं खड़ी रहती है? जी, एक तो हमारे जो है सहायक अभियंता हैं, उनके जो है जानने वालों की है एक सेंट्रो कार, और दूसरा एक हमारा मित्र है परिवहन विभाग में, उसकी है पल्सर बाइक। जी, मेरा नाम प्रभाकर यादव है।